पीए का जहां तक नाम आ रहा है तो वो तो मछली है छोटी, मगरमच्छ बागड़ बिल्ले तो बचे हुए हैं। और जब ये इनकी पार्टी की नेता को ही न्याय नहीं दिलवा सकते, ये किसी आम इंसान को कैसे न्याय दिलवा देंगे? अरे गृह मंत्री जी है, निलंबित साहब है, सीबीआई जांच का ऑर्डर करवा। सरकार अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रही है, हाईकोर्ट की अध्यक्षता में सीबीआई की जांच नहीं करवाना चाह रही है, तो समझ लीजिए कि सरकार गड़बड़ में है। बड़े लेवल पर उसके पोस्टमार्टम से पूरी जांच पड़ताल हो, किसी तरह से इसके ऊपर मिट्टी डालने का काम ना करे सरकार। और यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हिम्मत है तो सीबीआई की जांच करवाई। ट्वीट करने से, ट्वीट पे सांत्वना देने से मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा झटका लगा। वो झटका तो फिर सबको लग रहा है, उसका कम से कम न्याय तो दिलवा दो। आप लोगों को सबको जानकारी है कि कल की जो घटना हुई है बड़ी दुखद है, और जिस तरह से जो खबरें कल भी आ रही थी, हरियाणा के लोगों को बड़ी शंका थी कि जिस तरह सोनाली फोगाट की मौत हुई है, तो हर आदमी उस पर शंका जाहिर कर रहा है, हर आदमी को डाउट है। सोनाली फोगाट एक कलाकार थी, लाखों उनके फैन थे, उसके अलावा सोनाली फोगाट एक पार्टी की नेता थी और उन्होंने चुनाव लड़ा था, हजारों लोगों ने उसको वोट दिया था, और जिस तरह से उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है, तो उसको लेके उनके जो प्रशंसक हैं, उनके परिवार वाले हैं, जो भी लोग हैं, सबके लिए दुख की खबर है। और हमने कल भी ये बात उठाई थी और शंका जाहिर की थी कि जिस तरह से घटना हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो परिवार है, उनके परिवार के लोगों ने भी इस बात को माना है कि गड़बड़ हुई है। तो हमने सरकार से ये मांग की है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, गृह मंत्री अनिल विज साहब, कि ये कितनी बड़ी शंका हरियाणा के लोगों के बीच में घूम रही है सोनाली फोगाट की मौत को लेकर, जिस तरह का संदेह है, तो एक हाईकोर्ट की अध्यक्षता में सीबीआई की जांच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। उनके लिए अभी इसमें तो कोई शक नहीं है कि मामला तो गड़बड़ है ही है, और यह अभी प्रूव भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ध्यान करा होगा कि इस बात को लेके अभी तक किसी भी सरकार की तरफ से किसी नेता का ये नहीं आया है कि भाई हाँ, और भी इतने मामले हैं, उनकी भी तो सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई का मतलब ये थोड़ी है छापे छापे मारने का काम थोड़ी है। इस तरह की बड़ी जो चीजें होती हैं, इस तरह की जो मौत हुई है, वो बहुत बड़ी हरियाणा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, उन सबको एक डाउट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को कुछ समस्या है क्या इस बात से कि भाई उनकी उनका परिवार कह रहा है, उसकी 12-13 साल की बेटी है, वो कह रही है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रॉब्लम है? और अगर सरकार अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रही है, हाईकोर्ट की अध्यक्षता में सीबीआई की जांच नहीं करवाना चाह रही है, तो समझ लीजिए कि सरकार गड़बड़ में है कुछ ना कुछ। फिर सरकार के लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, ये बात आप मान लीजिए, वरना दूध का दूध पानी का पानी तो तभी होगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उनको न्याय मिलेगा, और उनका पूरा परिवार इस चीज की डिमांड कर रहा है। ये मेरी अकेले की डिमांड नहीं है, ये डिमांड परिवार की तरफ से है, हरियाणा के लोगों की तरफ से है। अभी मेरे को पता चला कि ये लोगों को गुमराह करने की बात, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बोला जांच बैठा दी। महिला आयोग क्या होता है? महिला आयोग क्या अथॉरिटी है? महिला आयोग की कुछ पल्ला नहीं है महिला आयोग के, मुझे पता है। महिला आयोग क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? कौन सी इन्वेस्टिगेशन है महिला आयोग के पल्ले? कुछ नहीं है, नोटिस भेजने के अलावा कुछ नहीं होता है। महिला आयोग का बोला वो करेगा, वो जांच आयोग क्या जांच करेगा? सीबीआई से जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग
जज की अध्यक्षता में सीबीआई इसकी जांच पड़ताल करे, तभी हो सकता है कि ये पता चले ये जो रहस्यमयी मौत है और ये परिवार कह रहा है। अभी आज जो खबर आई है, आज जो परिवार के लोगों ने जो एफआईआर दी है, उस एफआईआर में जो नाम दिया गया है, जो उनका पीए है, उनका नाम आया है कि उन्होंने ये उनके ऊपर शक जाहिर किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस मामले के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होती है तो पीए तो मछली है, मगरमच्छ तो बचे हुए हैं। मगरमच्छों को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच होना जरूरी है। बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। सबको पता है कि कितना बड़ा मामला है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये अपील करता हूं, मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार के ऊपर सवाल है, ये आपकी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इस पूरे के पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाओ, ताकि लोगों का जो संदेह है वो भी खत्म, और जो जांच होगी, जांच पड़ताल होगी, उसमें भी चीजें आए। क्योंकि कोई ये कह रहा है कि ड्रग्स दी गई है खाने में, कोई ये कह रहा है कुछ इस तरह की दवाइयां दी गई, क्योंकि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है कि उनको कोई इस तरह की बीमारी थी। तो फिजिकली, वो तो फिजिकली वर्क करती थी, वो एक कलाकार थी, तो उसमें एकदम इस तरह की होना, जो भी चीज है कम से कम वो स्पष्ट रूप से आनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। और न्याय हम इसलिए कह रहे हैं, उनका परिवार भी इस बात को मान रहा है, उसका परिवार ने भी संदेह जताया है, हरियाणा के हर आदमी के दिमाग में उसको लेके संदेह है। तो मुख्यमंत्री जी से हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सीबीआई की जांच से पहले कोई प्रॉपर जांच नहीं हो पाएगी। और ये जो ये बड़े ट्रैक्टिस हैं कि महिला आयोग का वो भेज दिया कि महिला आयोग का दो दल, अरे क्या क्या महिला आयोग, क्या जांच पड़ताल कराया, कौन सी इन्वेस्टिगेशन टीम है, कौन सा उनका इन्वेस्टिगेशन का वो होता है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। वो एक नोटिस भेज गए डीजीपी को कि ये करो, उससे कुछ नहीं होता है। सीबीआई से जांचो, हाई कोर्ट की जज की अध्यक्षता में ये जांच होनी चाहिए, हम ये डिमांड कर रहे हैं। और आज उनके परिवार ने भी किया है। और जो पीए का जहां तक नाम आ रहा है, तो वो तो मछली है छोटी, मगरमच्छ बागड़ बिल्ले तो बचे हुए हैं, और उनका सबका खुलासा हो जाएगा अगर सही तरीके से जांच हो गई, तो नार्को टेस्ट होगा तो जांच हो जाएगी, उसमें पता देंगे लोग नाम, सबके फोनों की डिटेल निकलेगी तो पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह की ये चीजें अभी आ रही हैं कि वहां से काफी कंप्यूटर भी और भी कई चीजें रिकॉर्ड भी गायब है, तो क्यों गायब है, तो पूरी प्लानिंग, पूरी प्री प्लानिंग तरीके से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता इस मामले में शामिल हैं, हमें ऐसी शंका है, पूरी शंका है। और पूरे हरियाणा के लोगों को इस मामले में बहुत बड़ा संदेह है, सरकार के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। नवीन, जैसे ही उनकी मौत की खबर आई थी, तो सबसे पहले आपका बयान आया कि सीबीआई की जांच होगी, ये राजनीतिक बयान नहीं थे, क्योंकि मौत हुई है तो उसका थोड़ी बहुत देर तो लगती है कुछ पता करने। अरे बेरा है ना, हमने भाई साहब, हमने पता है ना, हमारे भी तो सूत्र हैं, अगर आप लोगों के सूत्र हैं तो हमारे भी सूत्र हैं, और सूत्रों के आधार पर मैं बता रहा हूँ। अरे मैं तो कह रहा था, तो उस टाइम पे तो आप लोग ये कह रहे थे, अब तो परिवार कह रहा है उसकी 12 साल की लड़की ये कह रही है कि भाई न्याय मिलना चाहिए, उसका परिवार, उसका भाई, उसके रिश्तेदार, वो सब कह रहे हैं। और वो अभी तो आ गई ना वो चीजें कि उनके परिवार से उसने बात की थी, उसने कहा था, उसने शंका जाहिर की थी कि मेरे को इस तरह का कुछ महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरे साथ साजिश हो रही है, तो ये तो बता चुकी थी। तो अब क्या दिया गया है, कौन सा जहर दिया गया है, कौन सी ड्रग्स दी गई है, कौन सी दवाइयां दी गई हैं, ये क्या दिया गया है, हम तो ये कह रहे हैं एम्स में वीडियो रिकॉर्डिंग हो के उसका पोस्टमार्टम हो, बड़े लेवल पर उसके पोस्टमार्टम से पूरी जांच पड़ताल हो, किसी तरह से इसके ऊपर मिट्टी डालने का काम ना करे सरकार। और जो मुख्यमंत्री जी और जो मंत्री जी इस चीज को लेके ये कह रहे हैं कि भाई हमें बड़ा दुख हुआ, तो बड़ा दुख हुआ रहा, तुमने दुख हो रहा है, तुम्हारे हाथ में पावर है, तो सीबीआई जांच करवाने में क्या प्रॉब्लम है, ये झूठे ट्विटर फेसबुक पर लखड़ की हमें दुख हुआ, क्या मतलब है इस चीज का। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, दुख हो रहा आपकी पार्टी की नेता है, और जब ये इनकी पार्टी की नेता को ही न्याय नहीं दिलवा सकते,
ये किसी आम इंसान को कैसे न्याय दिलवा देंगे? अरे जो चुनाव लड़ चुकी है इनकी पार्टी से, हजारों वोट लिए थे उसने, जब उसकी मौत हो रही है, उसकी मौत पे लोग शंका जाहिर कर रहे हैं, और लोगों को छोड़ दो उसके परिवार के लोग जाहिर कर रहे हैं, और वो उसी को, आप सोच के देख लो, अगर इनकी पार्टी की खुद की महिला नेता की मौत की ये जांच सीबीआई से नहीं करवा सकते, उसको न्याय नहीं दिलवा सकती सरकार, तो नॉर्मल एक कोई आदमी है या महिला हमारी जागी, किसी की मौत हो जाएगी, उसका कैसे उपाय होगा? पॉसिबल है नहीं। और मैं तो कहूंगा और भी तो महिला है राजनीति में, बहुत सी महिला ऐसे, तो ये तो जब अपने ही नेता की मौत की जांच करवाने में इनको समस्या है तो मामला गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है, छोटा गड़बड़ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ा गड़बड़ है, इस बात ने ध्यान से सुन लियो। और यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हिम्मत है तो सीबीआई की जांच करवा, हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में, ट्वीट करने से, ट्वीट पे सांत्वना देने से मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा झटका लगा। वो झटका तो फिर सबको लग रहा है, उसका कम से कम न्याय तो दिलवा दो। अरे गृह मंत्री जी अनिल विज साहब, सीबीआई जांच का ऑर्डर करवा, हिम्मत है तो करवाओ, न्याय अगर दिलवाना है तो सीबीआई जांच करवाओ, तब पता चलेगा क्या मामला है। पीए तो प्यादा है और ही कुछ बैठा है राजा तो, और वो तभी पता चलेगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो हम तो ये बात कह रहे हैं और उनका परिवार भी कह रहा है, हम उनके परिवार के साथ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कांड होया है ये, मैं आपको बताऊं, छोटा मामला नहीं है। अरे शंका क्यों लग रही है? लग गई क्यों ना शंका? सब न लग रही है शंका, उनके परिवार ने लग रही है शंका, उनका परिवार कहने लग रहा है, अरे शंका तो सरकार है ना, क्या प्रॉब्लम है? शंका सरकार दूर कर दे, कोई इतना बड़ा मामला थोड़ी है, सरकार के पास तो बहुत पावर होती है, सरकार को छोटा मोटा मामला थोड़ी है, एक उसमें कुछ भी ना लगता, एक में मुख्यमंत्री ने कह नहीं भाई हम सीबीआई जांच की वो कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुख्यमंत्री जी से हम ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये शंका संदेह सब कुछ है उनके परिवार का, लोगों का, सबका दूर हो जाएगा, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए, एम्स में उनका वीडियोग्राफी और पूरी प्रॉपर तरीके से उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उससे पता चल जाएगा पूरा का पूरा मामला, सबको पता चल जाएगा। ये जो पीए वाला मामला है ये छोटी मछली है, मगरमच्छ और बागड़ बिल्ले इससे बाहर हो जाएंगे। कौन सा प्रशासनिक अधिकारी, कौन सा? अरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ ना आवे, जब इतना बड़ा मामला हो रहा है तो सीबीआई जांच में क्या प्रॉब्लम? कौन प्रशासन जांच कर रहा है भाई, बताओ ना कौन सा प्रशासन है देश में? और इतनी वो है सीबीआई जांच तो नहीं हो रहा, सीबीआई तड़के दसांज दें छापे मारती है ना लग रही, क्या प्रॉब्लम है? एक टीम ने दे दो भाई जांच कर दो, क्या प्रॉब्लम है? जब ये सीबीआई का काम यो थोड़ी है, जा जाके अग वो कर रहे हो छापे मारा ठीक है, लेकिन यो भी तो है ना काम उसका, जो इस तरह की मौत होती है, सरकार की महिला नेत्री थी, सर पार्टी की महिला नेत्री थी, इसके ऊपर तो जरूर मुख्यमंत्री को करना चाहिए। अरे मेरा कुछ नाम मन के लेना देना यार, अच्छी बात कर रहे हैं, मैं कोई किसी पार्टी का आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो एक नॉर्मल एक बात बता रहा हूँ, जो हरियाणा का एक आदमी जो है वो जो सोच रहा है उसके हिसाब से हम अपनी बात कर रहे हैं, बात उठा रहे हैं, और हमारे को जो जिस तरह की जानकारियाँ मिल रही थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरह से मैंने कल भी पहले ही बता दिया था, आप लोग तो उस टाइम पे भी कह रहे थे आप कैसे परिवार तो नहीं कह रहा, परिवार ने तो कह दिया ना कि जांच के लिए, परिवार ने भी कह दिया ना, तो ये परिवार ने जब कह दिया तो ईब की प्रॉब्लम है, मेरे कहने में कुछ समस्या थी तो परिवार तो कह रहा है कि जांच करवा दो, तो सीबीआई जांच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार अगर कुछ छुपाना नहीं चाहती, सरकार अगर छुपाना नहीं चाहती तो सीबीआई जांच कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं एक चीज आपको बताऊंगा, 10 तारीख को उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें उसने कहा था कि मैं शेरणी हूं, मेरे को डराने की कोशिश ना करें, मैं डरने वाली नहीं हूं और जल्दी शिकार करूंगी। तो शिकार कौन होने वाला था? वो जो शिकार होने वाला था, उस ट्वीट का मतलब क्या है, कौन डरा रहा था उसको, ये पता होना जरूरी है ना, कौन उसको डरा रहा था, क्या मामला था, तो सारा वो उनसे दिख रहा है, उनकी पोस्ट से दिख रहा है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं।